शिवसेना वाला साहब ठाकरे की जम्मू कश्मीर प्रदेश इकाई ने शुक्रवार को सांबा कस्बे के मुख्य चौक को बंद कर दिया। जिला प्रशासन के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने डिप्टी कमिश्नर सांबा पर आरोप लगाया कि उनकी एक भी मांग को पूरा नहीं किया जा रहा, जिससे मजबूर होकर उन्होंने सड़कों पर उतरा। वहीं मुख्य चौक पर पत्रकारों को जानकारी देते हुए जिला प्रधान रमेश गुप्ता ने कहा कि पिछले 4 महीने के दौरान उनकी एक भी मांग पूरी नहीं हुई, जो कि उनके साथ और हमसे मांगी पूछी गई। सब लोगों ने अपनी मांगे लिखाई, लिखाने के बाद आज 4 महीने हो गए, एक भी डिमांड जो पूरी नहीं की मैडम ने। इस लिस्ट में हमें लिस्ट दे दी, हमने किया कि सब हमने कॉपी है जो है वो हमने आपको दे दी, जैसे सब काम आपके प्लान में रख दी, लेकिन बहुत गुस्से के साथ कहना पड़ रहा है ये भी काम अभी हमारा शुरू नहीं हुआ। जैसे 3 महीने हो गए अभी लोगों को राशन कार्ड नहीं मिला, ऐसे लोगों की पेंशन नहीं मिली, लोगों का आधार कार्ड नहीं मिला, लोगों के जो पंच पैसे थे जो अपने पंच के पैसे वो भी नहीं मिले, लेन एंड ड्रेन के पैसे जैसे हमारे काफी पिछले थे, जैसे अंगनवाड़ी सेंटर था वो नहीं खुले। आज YouTube वीडियो के लिए अजय सिंह, आज हमें DSP साहब।